Good evening, Eddie. Hey, Mrs. Chen. Good evening, Venom. Function hall, Mrs. Chen. He says hi. हेलो गाइस, वेलकम टू द फाइव एंटरटेनमेंट। माय नेम इज डीएन ओजा और आज हम बात करेंगे वेनम लेट देयर बी अ कार्नेज के ट्रेलर के बारे में। यहाँ पर कार्नेज का रोल प्ले कर रहे वुडी हैरिसन जो काफी जबरदस्त एक्टर है। एडी ब्रॉक उसके केस पे काम कर रहा है जिससे वो उसके ऊपर आर्टिकल लिख सके, लेकिन बात करते वक्त क्लीटस कैसिडी एडी ब्रॉक के हाथ को काटता है जिससे एडी का ब्लड क्लीटस के बॉडी में ट्रांसफर होता है। जब क्लीटस को एग्जीक्यूट कर रहे थे तब कार्नेज बाहर आता है, तो देखा जाए तो कार्नेज वेनम का ही एक पार्ट है। Catch up. Excuse me. Yummy. वेनम जब भी बाहर आता है तो एडी के ऊपर ऐसे सूट की तरह बाहर आता है, लेकिन यहाँ कार्नेज जो है वो क्लीटस कैसिडी के बॉडी के अंदर से बाहर आ रहा है जो काफी पेनफुल जैसा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर क्लीटस और कार्नेज की जो बॉन्डिंग है वो काफी जबरदस्त दिखाई है कम्पेयर टू वेनम एंड एडी ब्रॉक। ऑल्सो कार्नेज काफी पावरफुल दिखाई है इस मूवी में, उसके पास कई सारे वेपन्स है। जब पुलिस उस पर फायर कर रही होती है तब बुलेट्स उसके शरीर में से बाहर निकल जाती है, लेकिन जब वेनम पे हमला होता है तब वो उसे कवर करता है। तो कंपेयर टू वेनम द कार्नेज इज वेरी पावरफुल इन दिस मूवी। स्पॉट योर कार्नेज। मूवी में रेवन क्राफ्ट दिखाया हुआ है। कॉमिक के हिसाब से ये एक विलन हाउस है। इस रेवन क्राफ्ट के अंदर शेरिक को दिखाया हुआ है। शेरिक एक म्यूटेंट है जो काफी तेज आवाज निकाल सकती है। उसकी सोनिक फ्रीक्वेंसी वेनम की वीकनेस है और कॉमिक के हिसाब से शेरिक कार्नेज की गर्लफ्रेंड भी है, तो अगर कार्नेज चाहे तो वेनम को इजीली बीट कर सकता है। ट्रेलर में दिखाया है कि वेनम सबको खाना चाहता है। एडी ब्लॉक उसे कंट्रोल करने के लिए एरिया 51 की बात करता है। जिन लोगों को नहीं पता कि एरिया 51 क्या है, एरिया 51 गवर्नमेंट बेस है यूएस में जहाँ एलियंस को रखा जाता है, और वेनम भी एक एलियन ही है। लेकिन वेनम है जो उसकी बात नहीं सुनता और एडी ब्लॉक को मारने लगता है। Live in my body. You live by my rules. I'm sorry. I don't know what came over me. Please let me fix it so I can push it again. You are a loser. Before starting the production, ये rumors थे कि Tom Holland will be there as a Peter Parker. लेकिन trailer आने के बाद ये confirm हो चुका है कि Tom Holland इस movie में नहीं होगा। Sony ने अभी तक उसका कोई plan नहीं किया हुआ। Venom first part का जब premiere हुआ था, तब Rotten Tomatoes ने उसे low rating दिए थे और कहा था this movie will not run in the cinemas. सोनी हैड टू मेक समथिंग न्यू, लेकिन बाद में जब मूवी रिलीज हुई तब ऑडियंस ने इसको काफी पसंद किया था और मूवी सुपर हिट रही थी। वेनम पार्ट 2 के लिए भी ऑडियंस की सेम एक्सपेक्टेशन है, और अभी ये भी बाहर आया है कि सोनी इज प्लानिंग फॉर द वेनम पार्ट 3। मूवी को डायरेक्ट किया है एंडी सर्किस ने जो मल्टी टैलेंटेड है। ही इज अ प्रोड्यूसर, ही इज अ एक्टर, ही इज अ डायरेक्टर, और अभी अभी उन्होंने इस मूवी के ट्रेलर का ब्रेकडाउन वीडियो भी बनाया है जिसमें उन्होंने मूवी के बारे में काफी सारी डिटेल्स दी है। इस मूवी को डायरेक्ट करते हुए उन्होंने काफी ज्यादा ध्यान दिया हुआ है, जैसे ये न्यूज़पेपर डेली बगल, ये वही न्यूज़पेपर है जो स्पाइडरमैन मूवीज में दिखाया जाता है। ये मूवी पहले रिलीज होने वाली थी September 2021, लेकिन ड्यू टू COVID-19 ये मूवी वापस डिले हुई है, और अभी अभी पता चला कि ये मूवी October 2021 में रिलीज होने वाली है। I am so sorry. Okay guys, thank you for watching this video. If you like this video, please like, share and subscribe to Fem Entertainment. I'll be back with another video. Stay safe. The chocolate delivery hasn't arrived yet. No! We had a deal. What's gonna happen? You're gonna stop protecting me? I am happy to eat, Mrs. Chen! No, no, you cannot eat, Mrs. Chen. What? Nothing. The revolution will be live.